गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज नई फॉर्च्यूनर 2023 का फोर व्हील ड्राइव 80 का एक वॉक अराउंड वीडियो दे रहा हूँ आपको, उसका स्पेक्स और इसमें जो है वो लगभग 10 से लेके 13 तक एवरेज देते हैं और इसमें 4x4 का भी ऑप्शन है और 4x4 लो है और हाई है। लो जो है अगर 20 किलोमीटर स्पीड के नीचे होगा तो लो डाल सकते हैं और 2x2 में भी चला सकते हैं और 4x4 में भी चला सकते हैं। और गाड़ी मस्त है, मैनुअल से अच्छा 80 ज़्यादा माइलेज दे रहा है अभी। देखिए ये नया फॉर्च्यूनर है 2023 का, ये टॉप मॉडल है 4x4 सिग्मा। यहाँ पे देखो एक फॉग लैंप दिया हुआ है और यहाँ पे सेंसर भी है। बड़ा क्रोम ग्रिल दिया है पियानो फिनिश में। अच्छा मस्कुलर लुकिंग है गाड़ी और टोयोटा का तो फॉर्च्यूनर का कोई जवाब ही नहीं है। ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है, ऑटोमेटिक और इसमें 265/60 R18 का ब्रिजस्टोन का टायर दिया है। HT टायर है, 18 नहीं है, HT टायर दिया है। यहाँ पे नीचे लाइट दिया हुआ है, इसमें 360 कैमरा नहीं आते। पीछे सिग्मा 4 का पैचिंग दिया है क्रोम में फॉर्च्यूनर। ये फॉर्च्यूनर का इनसाइड व्यू, ऑटोमेटिक गाड़ी है। ये यहाँ पे गियर दिया हुआ है, ऑटो है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। ड्राइव में मैनुअल भी कर सकते हैं, मैनुअल करके फिर यहाँ पे शिफ्टिंग पेडल दिया है। देखो यहाँ पे ये, उससे आपके हिसाब से गियर ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो स्पोर्ट मोड्स दिया हुआ है, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। और यहाँ पे आपका वाटर बॉटल होल्डर नहीं तो कॉफ़ी होल्डर जो भी कह सकते हो वो है, यहाँ पे अच्छा खासा दिया है वो। और यहाँ पे भी कॉफ़ी होल्डर है, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स जो भी आप होल्ड कर सकते हैं। 10 इंच का इन्फो सिस्टम दिया हुआ है, बेसिक है लेकिन अच्छा है। और ये देखो यहाँ पे लेदर फिनिशिंग दिया हुआ है, प्लास्टिक का क्वालिटी बहुत बढ़िया है। सीट भी देखिए, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पे लाइट दिया हुआ है, और यहाँ भी देखो ग्लास दिया हुआ है, मिरर उस साइड में भी है। यहाँ इसमें 16 स्पीकर दिया हुआ है, ये वूफर है, यहाँ पे आगे JBL का दिया हुआ है। ये फर्स्ट रो सीटिंग, यहाँ पे इतना लेग स्पेस मिल रहा है आपको,
देखिए इतना अलग स्पेस आपको मिलेगा, एक सीट ज़्यादा आगे नहीं है, ठीक है, और आराम से दो जन बैठ सकते हैं। तीसरा यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ थोड़ा ऊंची है फिर भी आराम से। और एक थर्ड रो है, थर्ड रो में लेग स्पेस बहुत कम है, छोटे बच्चे के लिए ठीक है। और एसी वेंट्स दिया हुआ है पीछे, और यहाँ पे फर्स्ट रो में ऊपर है एसी वेंट्स, और एसी का कंट्रोल भी यहाँ पे दिया हुआ है, ऑटो ऑफ है इसमें, ये दो वेंट्स दिया हुआ है। और इसमें आगे डुअल एसी है, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं अपना साइड के सीट वाले को, मतलब जो ड्राइवर के बगल में जो बैठे हैं उनका एसी का टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकते हैं डुअल एसी। और वेंटिलेटर सीट से ये दोनों सीट में हवा आती है तो वो कूलिंग हो जाता है, एसी का जो कूलिंग है वो उसका हवा उसमें आ जाती है। गुड स्पेस, ठीक है, दो तीन दो तीन से उसका पैर आ जाएंगे। और ये है अंडर व्यू पीछे से, देखिए ये पीछे का सीट वाइड है, देखिए कितना वाइड है, बहुत वाइड दिया हुआ है, अगर छोटे बच्चे सो भी सकते हैं यहाँ पे। और बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे कुछ स्टोरेज सभी है यहाँ पर, और यहाँ पे और यहाँ के रेस्टोरेंट यहाँ पे ऊपर कंट्रोल बीच में है। ये पीछे का एंट्री है, ऐसा फोल्ड हो जाते हैं, देखें एक झटके में फोल्ड हो जाते हैं और आराम से जा सकते हैं। अच्छा खासा है यहाँ पे, पीछे का सीट भी देखो डिक्लाइन है तो अच्छा दिख रहा है। हाँ भाई देखो 12 वॉट्स का चार्जिंग का दिया है, लगभग ये 50 लाख ऑन रोड मुंबई पड़ता है, 50 लाख 30,000 के आसपास। जो भी वो फॉर्च्यूनर का ड्राइव एकदम अलग है, और बाकी कोई ये सेगमेंट में कोई गाड़ी है ही नहीं फॉर्च्यूनर के मुकाबला करने के लिए। तो एनीवे ये वीडियो में पे एंड कर रहा हूँ, आप ही डिसाइड कीजिए इज़ इट वर्थ और नॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।